नमस्कार दोस्तों, निशा नीलूज फ्रेश पीस में आपका स्वागत है। मैं निशा आज आपके लिए चौलाई के पत्तों के पतौड़े बनाने जा रही हूँ। बारिश के मौसम में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चौलाई के पत्तों के पतौड़े। ये हरे चौलाई के पत्ते आधा किलो, साथ ही इसमें लेंगे एक कटोरी बेसन, 4 स्पून चावल का आटा, 2 बड़े टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 10 से 12 कलियां मैंने लहसुन के लिए, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है, 7 से 8 हरी मिर्ची लिए, इसे भी मैंने काट लिया है। इसमें मसाले हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 2 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। चौलाई को साफ करके मैंने इसके पत्ते अलग कर लिए हैं, अब इसे वॉश कर लेते हैं। चौलाई के पत्ते को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तीन से चार बार हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। इसे मैंने 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे काट लेते हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, मैं इसे नाइफ से काट रही हूँ। ये देखिए सभी पत्ते हमारे बिल्कुल बारीक कट गए हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में डाल देंगे हम। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, चावल का आटा, ग्रेटेड अदरक, ग्रेटेड गार्लिक, हरी मिर्च। अब इसमें सभी मसाले डाल लेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, अगर सूखा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन और ऐड कर दिया है, जिससे कि अच्छे से बाइंड हो जाए। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको शेप दे देते हैं। हाथों को ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में। इसको इस तरीके से हम बाकी को भी शेप दे देंगे। अब इसे बॉईल कर लेते हैं। कढ़ाई में पानी डाल के इसको बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल हो गया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे पतौड़े आपस में चिपकेंगे नहीं। अब इसमें सभी पतौड़ों को डाल के बॉईल कर लेंगे। पानी बिल्कुल बॉईल होना चाहिए, ठंडा होगा तो ये घुल जाएंगे। अब इसको दूसरी साइड से भी बॉईल कर लेते हैं। इस तरीके से सभी को पलट लीजिए, नाइफ डाल के इसको चेक कर लेते हैं। अगर नाइफ क्लीन निकल आता है तो ये पतौड़े तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे आधे से 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं।
पतौड़े ठंडे हो गए हैं, अब इसे छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इस तरीके से इसके गोल गोल पीस कर रहे हैं। इसे मैंने बराबर पीस में काट लिया है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से तलेंगे। क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सभी को हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। क्रिस्पी पतौड़े खाने के लिए तैयार हैं। आप इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं।